और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से आज मुलाकात करेंगे और मुलाकात का समय 11:30 बजे होगा और राष्ट्रपति भवन में यह मुलाकात होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सीएम तीरथ सिंह रावत की मुलाकात होगी। 11 बजे का समय रखा गया है इस मुलाकात के लिए और राष्ट्रपति भवन वो जगह होगी जहां पर उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुलाकात करेंगे। किन मुद्दों को लेकर यह मुलाकात होगी, क्या ये शिष्टाचार मुलाकात है, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि दिल्ली दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत हैं और लगातार कई बड़े मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं। इससे पहले जब 2 दिवसीय दौरे पर वो दिल्ली में थे तब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस बार वो कई कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष से भी उन्हें मुलाकात करनी है। तो 11:30 बजे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत की मुलाकात होगी। 3 दिवसीय दौरे पर वो दिल्ली में है इस समय और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात का सिलसिला थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। 11:30 बजे का समय रखा गया है और 11:30 बजे राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। तो बड़ी खबर, दिल्ली से उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली में मौजूद हैं। 3 दिवसीय दौरे के लिए वो दिल्ली आए हुए हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्हें मुलाकात करनी है आज और 11:30 बजे राष्ट्रपति भवन में यह मुलाकात होगी। किन मुद्दों को लेकर यह मुलाकात करनी है, किन मसलों को लेकर उनसे बातचीत करनी है, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन सिर्फ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात का नहीं थमेगा, इसके बाद उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात करनी है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से उन्हें मुलाकात करनी है, प्रकाश जावड़ेकर से भी मुलाकात करनी है और इन मुलाकातों के पीछे की मंशा क्या है, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, सवाल बना हुआ है। लेकिन बड़ी खबर, 11:30 बजे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। ममता चतुर्वेदी हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ रही है। ममता, 11:30 बजे मुलाकात का समय रखा गया है, क्या ये भी शिष्टाचार मुलाकात है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक हल्द्वानी से तकरीबन 11:00 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे और यहां पर तकरीबन 10:30 बजे का वक्त है जब वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। हालांकि जानकारी के मुताबिक सिटकड़ा है उनको, इसके अलावा देश के तमाम कैबिनेट मंत्रियों से भी उनकी इसमें स्मृति ईरानी ने से लेकर प्रकाश जावड़ेकर, धर्मेंद्र प्रधान और तमाम जितने मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और इसके अलावा हरदीप पुरी, तमाम मंत्रियों से मुलाकात करनी है और उत्तराखंड के विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा करेंगे। इस तरह की जानकारी दी गई है कि इन तमाम मसलों को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज दिल्ली आ रहे हैं और सबसे पहले 11:30 बजे वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और उसके बाद तमाम कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात कर उत्तराखंड में विकास के मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। ममता, जब उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई थी तो वो वक्त थोड़ा सा उत्तराखंड के लिए मुश्किल वक्त था, कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी 3 महीने का समय गुजर गया है, लगभग 3 महीने का समय गुजर गया है। ऐसे में अब जाकर शिष्टाचार वाली ये मुलाकातें और उसके बाद पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृहमंत्री अमित शाह से, जेपी नड्डा से मुलाकात करना कहीं ना कहीं सवाल खड़े नहीं करते? देखिए, जिस तरीके का माहौल था पिछले कुछ समय से, जब से तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का पदभार संभाले थे तब से कोरोना काल था और लॉकडाउन लगा हुआ था, ऐसे में दिल्ली आ पाना मुश्किल था। जब तीरथ सिंह रावत से इस बारे में पूछा गया कि अचानक आपका दिल्ली दौरा कैसे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी के जो
केंद्रीय नेतृत्व है उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, उनसे गाइडेंस नहीं ले पाए थे और इसी सिलसिले में वो दिल्ली आए। सबसे पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की और तभी ऐसा दिल्ली का रुख करेंगे जब वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उन लोगों से भी चर्चा करेंगे और चर्चा के साथ उत्तराखंड के विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा करेंगे कि तमाम जो डिपार्टमेंट हैं। ममता, एक सवाल ये भी उठ रहा है, जिस तरह से सतपाल महाराज अलग लीग पर चल रहे हैं, जिस तरह से तीरथ सिंह त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि पूर्व सीएम थे उनका भी विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं, तो क्या बीजेपी फूट को नहीं दर्शा रहा? या फिर मुख्यमंत्री पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करता है तो मुमकिन है, हालांकि राष्ट्रपति से तो शिष्टाचारिक तौर पर ही मुलाकात है तीरथ सिंह रावत का और इसके अलावा क्योंकि पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का फिलहाल कोई अभी उनका शेड्यूल नहीं आया है, पहले मुलाकात कर चुके हैं, कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात करनी है तो मुमकिन है कि विकास कार्यों को लेकर मुलाकात करेंगे। हालांकि ये बात सही है कि मुख्यमंत्री लोग मिलते हैं तो जाहिर सी बात है सियासत की बात भी होती है, जिस तरीके से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनने के बाद तमाम बातें सामने आई, भले ही वो त्रिवेंद्र सिंह रावत भी सीएम के जाने के बाद वो भी दिल्ली आए थे और उनका भी यही कहना था कि पार्टी नेतृत्व से मुलाकात करने आए हैं क्योंकि कोरोना काल था। हालांकि साफ तौर पर कोई कुछ भी नहीं कहना चाहता लेकिन सबको पता है कि 2022 में उत्तराखंड में भी चुनाव होने वाला है और ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं किस तरीके से पार्टी को चुनाव में ले जाना है उन तमाम मुद्दों को लेकर जाहिर सी बात है चर्चा होगी। जब दो सियासी लोग मिलेंगे तो चाहे वो पार्टी से संबंधित बात हो या फिर विकास कार्यों को लेकर चर्चा हो, चर्चा तो होगी। बिल्कुल ममता, सियासत की भी चर्चा होगी और विकास कार्यों की भी चर्चा हो सकती है, लेकिन इन लगातार जो बैठकें चल रही हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, इनके पीछे की मंशा क्या है ये अभी तक साफ जाहिर नहीं हो पा रही है। ममता, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।